नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करें। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था और उसके चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी थी। उसके बाद 2019 5 अगस्त को धारा 370 को हटा लिया गया था और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था। यानी राजनीतिक माहौल और सियासी माहौल पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब इस माहौल में वहां जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल नए तरीके के समीकरण होंगे, बिल्कुल नए तरीके का माहौल होगा। जहां धारा 370 को हटाना एक बड़ा मुद्दा होगा, वहीं जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना भी एक बड़ा मुद्दा होगा। यह मुद्दा कितना बड़ा है और इस विधानसभा के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की बढ़त मिल सकती है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए। जब धारा 370 को हटाया गया तब यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति होगी, आतंकवाद खत्म होगा और विकास की नदी बहेगी। और अब सही मायनों में विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। इन 5 सालों में वहां जो सरकार थी उसको हम कह सकते हैं वो बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि केंद्र के मातहत ही जो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन चल रहा था। ऐसे में ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि दरअसल जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनावी माहौल क्या है। लोकपाल नामक एजेंसी ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को लेकर सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजे हम आपको बता देते हैं, उसके बाद उस पर बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे, जिसमें से इंडिया गठबंधन, यानी ये बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है। उमर अब्दुल्ला जो ये कहते थे कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ एक दो और छोटी पार्टियां हैं, उनको 51 से 56 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 24 से 26 सीटें, पीडीपी जो एक जमाने में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, सरकार में थी और महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, उनकी हालत ठीक नहीं लगती है। 4 से 8 सीटें उनको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें। अगर हम इस पर नजर डालें कि दरअसल कितने प्रतिशत वोट मिलने वाले हैं किस गठबंधन को, किस पार्टी को, तो उसको भी स्क्रीन पर आप देखें तो इंडिया गठबंधन को 40% से 42% वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 28 से 30%, पीडीपी को 18% से 20% और अदर्स यानी अन्य के खाते में 10% से 13%। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर हम वोटों के प्रतिशत से बातचीत करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां इंडिया गठबंधन के मुकाबले में कोई पार्टी ठहर नहीं पा रही। इंडिया गठबंधन को 40 से 42%, बीजेपी को 28 से 30%, पीडीपी को 18 से 20%, अन्य के खाते में 10 से 13%। यह लोकपोल का सर्वे, लोकपोल के सर्वे से बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली ही सरकार बनेगी। इन आंकड़ों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका हम परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीधे श्रीनगर से अजान जावेद साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरि कुमार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हैं लेकिन करस्पॉन्डेंट हैं, लेकिन वो यहाँ अपनी निजी कैपेसिटी में हमारे साथ मौजूद हैं। अजान साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही है, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं इनसे आप कितने मुतमईन हैं? मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली परफॉर्म अच्छा करेंगे। 50 तो मुझे नहीं लग रहा है कि 50, मेरे नजरिए में 50 क्रॉस हो, 50-56 थोड़ा ज्यादा है, एग्जैजरेटेड है, लेकिन आई थिंक ऑन देयर ओन वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। बीजेपी का भी जो हमारी बातचीत होती रहती है लीडरान से वगैरह, उनका खुद का भी इंटरनल असेसमेंट इसी के करीब है। वो खुद भी होप कर रहे हैं कि जो छोटी पार्टीज है कश्मीर के अंदर
वो कुछ परफॉर्म करेंगे, जबकि उनका 2024 जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें वो कम्प्लीटली आउट हो गए थे, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी। बट बीजेपी ने क्योंकि बार बार एनसीओ पीडीपी के खिलाफ बयानबाजी की है बहुत सारी, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट उनके साथ वापस अलायंस करना, उनके लिए जस्टिफाई करना अलायंस, और इसलिए जो वहाँ नॉन बीजेपी नॉन पीडीपी और एनसी पार्टीज है वो काफ़ी हैवीली रिलाई करते हैं। मेरे हिसाब से जो सर्वे है ये ठीक ठाक है,